केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर सोमवार को संसद में पेश करेंगे कृषि कानून वापसी का बिल। सोमवार से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। कृषि कानून मंत्री नरेंद्र तोमर का पराली पर बड़ा बयान, बोले पराली जलाने वाले किसानों पर नहीं होगा आपराधिक मुकदमा। यूपी के महोबा में प्रियंका की हुंकार, प्रियंका ने प्रतिज्ञा रैली के दौरान कहा अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। यूपी के गोंडा में सीएम योगी का पिछली सरकार पर निशाना, कहा पिछली सरकारों में आतंकियों के मुकदमों को वापस लिया जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होता। हरदोई में अखिलेश राजभर की साझा रैली, अखिलेश का बीजेपी सरकार पर हमला, कहा भाजपाई केवल दो काम जानते हैं, एक जीप चढ़ाना दूसरा जीप चलाना। कोरोना के नए वेरिएंट पर पीएम समीक्षा बैठक में बोले सतर्क रहने की जरूरत, जहां ज्यादा केस है वहां ज्यादा सावधानी जरूरी, वैक्सीन के दूसरे डोज की रफ्तार बढ़ानी होगी। दुनिया में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर एक्शन में पीएम मोदी, बड़े अधिकारियों के साथ पीएम ने की बैठक। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मंत्रालयों के बीच बातचीत, सूत्रों के मुताबिक सरकार विमानों पर पाबंदी लगाने के पक्ष में नहीं, विमान से आने वाले यात्रियों की सख्त जांच की जाएगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन से दुनिया में दहशत, WHO ने बताया तेजी से फैलने वाला, कई देशों ने लगाया यात्रा पर प्रतिबंध। ओडिशा के मयूरभंज में जनजातीय स्कूल में 26 छात्रों को कोरोना, बाकी 259 छात्रों का होगा कोरोना टेस्ट। कर्नाटक के धारवाड़ में SDM कॉलेज में कोरोना के 77 नए केस सामने आए, कुल केस 281 हुए। कल SDM कॉलेज के 60 छात्रों के पॉजिटिव आने के बाद हॉस्टल सील कर दिया गया था। देश में एक दिन में कोरोना के 8,318 नए केस, जबकि 465 लोगों की कोरोना से मौत। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर फाइजर और बायोटेक का बयान, कहा अभी तय नहीं है कि वैक्सीन नए वेरिएंट पर असरदार होगी या नहीं। पंजाब के मोहाली में शिक्षकों के धरने में शामिल हुए अरविंद केजरीवाल, बोले शिक्षकों की समस्याओं पर ध्यान दे चन्नी सरकार। पंजाब के बरनाला में बेरोजगार शिक्षकों का चन्नी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। यूपी में गठबंधन को लेकर VIP के मुकेश सहनी का ऐलान, कहा निषाद पार्टी के साथ 50 सीटों पर गठबंधन करने को तैयार, बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे। ABP News आपको रखे आगे।